नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आपको साल 2022 की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में खुशियां और प्रसन्नता लेकर आए। हम बात करने वाले हैं 1 जनवरी 2022 की। कैसा होगा 1 जनवरी 2022 का दिन? इस दिन क्या शुभ होगा और क्या उपाय करने होंगे? किस प्रकार से हमारा नए साल का शुभारंभ होगा, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और इस जानकारी को प्राप्त करके आप जान जाएंगे साल के पहले दिन का पूरा हाल। तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा, पूरा देखने की कोशिश करिएगा। आज जिनका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उनको ढेरों शुभकामनाएं। ध्यान से ही गोचर कुंडली है आपकी 1 जनवरी की। इस कुंडली पर एक नज़र डाल लीजिए, ग्रहों की स्थिति पर नज़र डाल दीजिए और अब शुभारंभ करते हैं आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग। सूर्योदय होगा 7:12 AM पर, सूर्यास्त होगा 5:35 PM पर। तिथि है चतुर्दशी, नक्षत्र है ज्येष्ठा, वार शनिवार, पक्ष कृष्ण पक्ष, चंद्र राशि वृश्चिक, सूर्य राशि धनु रहेगी और अभिजीत मुहूर्त है 12:03 PM से लेकर 12:44 PM तक। राहु काल रहेगा 9:48 AM से लेकर 11:06 AM तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जो समय की जानकारी है, यह आपके शहर, आपके देश प्रदेश के अनुसार कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आज शनिवार का दिन है और मासिक शिवरात्रि का शुभ दिन है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का शुभ दिन है। और अगर आपकी राशि पर शनि की 7:30 का अशुभ प्रभाव है या काल सर्प दोष का अशुभ प्रभाव है, तो आज का दिन इस अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए एक बेहतर दिन होगा। आप लोग भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करिएगा। इसके साथ साथ हनुमान जी के दर्शन करना आपके लिए बहुत सर्वोत्तम रहेगा। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाकर भगवान हनुमान को नमस्कार करें, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, संभव हो तो शाम को भी जाकर भगवान हनुमान के दर्शन करें और पीपल के वृक्ष की सेवा करें, तो आपका साल का पहला दिन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति दिलाते हुए एक शानदार नव वर्ष की तरफ आपको लेकर जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों की। आपकी ये जो कुंडली है, गोचर कुंडली है, आप इसमें देख रहे हैं, इसमें काल सर्प दोष बन रहा है। आप ये अपनी गोचर कुंडली देख रहे हैं, इसमें ग्रहण दोष भी बन रहा है, इसमें महाभाग्य योग भी बन रहा है। तो हम इन सभी विषयों को अपनी नज़र में रखते हुए आपको 1 तारीख का संपूर्ण राशिफल बता रहे हैं, ताकि आप पहले से ही सचेत हो जाएं और उपाय करके अपने दिन को बेहतर बना लें। आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। तो ध्यान से अपनी गोचर कुंडली को देखिए, यह आपके समक्ष है। तो आपको बहुत ही जबरदस्त और शानदार फल मिलेंगे 1 जनवरी की सुबह से। आप पहले ही बहुत सारे शुभ परिणाम साल 2022 में पा रहे हैं, तो साल का पहला दिन भी आपके लिए कहीं बहुत शुभकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ऐसा दिन जब चंद्रमा मंगल का महाभाग्य योग बनेगा दशम भाव में। मंगल दिग्बली होते हैं दशम भाव में और साथ में चंद्रमा का सहयोग मिल जाए तो महाभाग्य योग और भी ज्यादा दिग्बली हो जाता है और साथ में रूचक योग भी बनेगा। तो आपको 1 जनवरी में सर्वश्रेष्ठ दिन बिताने का मौका मिलेगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यापारिक वर्ग को बहुत सारा लाभ होगा, व्यापारियों के लिए एक खुशनुमा दिन होगा, एक नई शुरुआत का दिन होगा, नया साल नई शुरुआत नई तरक्की। व्यापारी वर्ग बहुत लाभ कमा पाएंगे, व्यापारियों के लिए लाभकारी दिन होगा, खुशियों से भरा दिन होगा, आमदनी के नए रास्ते बनेंगे, बहुत अच्छी बिक्री हो सकती है, ऑर्डर मिल सकते हैं,
सभी प्रकार की खुशियां आपके दरवाजे पर होंगी, आत्मनिर्भर होंगे आपका शरीर मजबूत होगा यानी कि सेहत अच्छी होगी, अत्यंत साहसी और शूरवीर होंगे आप, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, परेशानियों पर विजय प्राप्त करेंगे, धनवान होंगे, कीर्तिवान होंगे और खुद अपनी बल बुद्धि विवेक से सफलता पाते चले जाएंगे, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, जो ठान लेंगे वो कर लेंगे, नई शुरुआत के साथ इस साल का संकल्प लेंगे और बहुत कुछ आप अपने अंदर बदलने का ठान लेंगे। राजा की तरह सम्मान प्राप्त होगा, कुलदीपक होंगे, परिवार में तरक्की करेंगे, परिवार के लोगों को खुश रखेंगे, आप कोमल हृदय के होंगे, धनी होंगे, सुखी होंगे, त्यागी होंगे, राजनीतिक जीवन बढ़िया रहेगा और मशीन से जुड़े हुए जो भी काम होते हैं उसमें शानदार धन लाभ होगा। कर्म प्रधान व्यक्ति होंगे, बातें नहीं कर्म करेंगे, आप साल के पहले दिन ही करियर संबंधी क्षेत्र में बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, एक ही दिन में आप काफी लोकप्रियता हासिल कर लेंगे, सरकारी धन प्राप्त होने के संकेत हैं, डॉक्टरी लाइन में नाम कमाएंगे, शौर्य के कामों में नाम कमाएंगे, सेना पुलिस डॉक्टरी। अगर बात करें गुरुदेव की तो देखिए गुरुदेव को भी देखना यहाँ आवश्यक है, तो गुरुदेव लग्न में बैठकर आपके लिए सुख सुविधाएं धन दौलत का रास्ता खोल रहे हैं, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति देवगुरु बृहस्पति कर देंगे लग्न में बैठकर। कहते हैं अकेले देवगुरु बृहस्पति ही काफी होते हैं जब वो केंद्र में हो तो और बलि अवस्था में हो, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति सभी सुख सुविधाओं के रास्ते खोलते हुए आपकी इच्छाओं की पूर्ति करा देंगे और चंद्रमा और मंगल को और बल देंगे। अगर बात करें शुक्र की तो लाभ स्थान में शुक्र दुनिया की धन दौलत कमाने का मौका आपको दे देंगे, आपकी जिंदगी में लग्जरी आएगी, बहुत बढ़िया दिन बीतेगा, भर भर कर पैसा और खुशियां और जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा और शादी का रिश्ता भी तय हो सकता है। बात करें चंद्र मंगल के महाभाग्य योग की तो आप मेहनत से किसी भी चीज को पालेंगे, खूब पैसा बनाएंगे, हर जगह नाम और तारीफ होगी, देश विदेश से नाम जुड़ जाएगा। देखिए अंगारक दोष भी बन रहा है तो चंद्रमा को मजबूत करके हम मंगल के अशुभ प्रभावों को कम कर सकते हैं, तो आप मंगल को कंट्रोल में करेंगे चंद्रमा के द्वारा, यानी देखिए आग जो होती है आग को शांत करने के लिए पानी डाला जाता है, तो ऐसे ही आप अपनी जुबान पे कंट्रोल रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। ग्रहण दोष की बात करें तो चंद्रमा को फिर से हमें शांत करना पड़ेगा और केतु के उपाय करके शानदार परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब काल सर्वदोष भी बन रहा है तो काल सर्वदोष के बारे में भी बात करेंगे, तो पहले उपाय जान लीजिए। काला सफेद कंबल धर्म स्थान पर देने से आपका पहला दिन बहुत शानदार हो जाएगा और काल सर्वदोष के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल जाएगी और अंगारक दोष के प्रभावों से भी मुक्ति मिल जाएगी। भगवान गणेश की पूजा करें, एक साथ गंदे नाले में काले और सफेद तिल डालें, थोड़ा एक एक चुटकी, इससे भी लाभ मिलेगा। मीठा खाएं और खिलाएं, रात में दूध ना पिए, दूध और चावल का दान ना करें। आप अपनी माँ से चांदी की एक डब्बी लें, उसमें थोड़े से चावल लें और उसको हमेशा अपने पास रखें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। काल सर्वदोष की बात करें तो चतुर्थ और दशम में काल सर्वदोष बन रहा है, शंख शूर नामक काल दर्शक योग बन रहा है जैसे कि आप कुंडली में देख रहे हैं, तो ये काल सर्वदोष आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव लेकर आएगा, सेहत को थोड़ा सा खराब कर सकता है, तो गंगा जल से नहा लीजिएगा, अगर किसी पवित्र नदी में नहा लेते हैं तो भी काम चलेगा, नहीं तो घर में गंगा जल से नहा लीजिएगा या गंगा नदी में नहा लीजिएगा, और आज किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा और अपने घर के बाथरूम वगैरह में कोई कंस्ट्रक्शन का काम मत कराइएगा, खासकर टॉयलेट सीट वगैरह को इधर उधर मत कराइएगा या नहीं मत लगवाइएगा, फिर आपको कोई अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। तो ये था साल का पहला दिन जिसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी, क्या अच्छा क्या बुरा और बुरे को कैसे अच्छा बनाया जाए, ये छोटे छोटे उपाय भी मैंने आपको बताए, इन उपायों को करिएगा, साल का पहला दिन आपके लिए बेहतरीन होगा। अगर ग्रहों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो साल का पहला दिन कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी लेकर आ रहा है, कुछ छोटी मोटी दिक्कतें जरूर हैं लेकिन इन छोटी मोटी दिक्कतों को दूर करने के उपाय मैंने आपको बता दिए, इन उपायों को कर लीजिएगा और आगे बढ़ते चले जाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि साल का पहला दिन कुंभ राशि वालों के लिए खुशनुमा बीतेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतरीन है और आप कोई गलती नहीं करते हैं तो यकीन मानिए साल का पहला दिन आपके लिए अनेकों खुशियां लेकर आएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पिछले साल के कई ऐसे सारे गम होंगे, ऐसी जो तकलीफें होंगी जो साल का पहला दिन ही आपसे
कहेगा कि आप उसको भुला दें। इतनी खुशियां आपको मिल जाएंगी जीवन के हर एक क्षेत्र पे, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जवान हों। कुल मिलाकर महिला पुरुष के लिए बहुत ही बढ़िया दिन है। आप इस दिन का को इंजॉय करें, पति पत्नी एक दूसरे के साथ रल मिल कर रहें, खुशियों से रहें, प्रेम संबंध भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, जीवन में तरक्की का दिन होगा। और जो छोटे छोटे उपाय बताए उन उपायों को कर लीजिएगा। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपको आपके परिवार को नववर्ष की शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको बढ़िया बढ़िया जानकारियां, बढ़िया के साथ में एक और चीज़ है कि सच्ची जानकारियां देंगे, बढ़िया और सच्ची जानकारियां आपको देते रहेंगे, ताकि आपका जीवन सुखद बना रहे और किसी भी प्रकार के कष्टों से आप पहले ही बच सके। एक बार फिर आपको ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत अभिनंदन और नमस्कार।